स्टार्टिंग विद द ग्रीन शू ऑप्शन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई विल टेक अ प्रिजम्पशन, मैं प्रिज्यूम करूंगा कि आप लोगों को बुक बिल्डिंग याद है, बुक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट याद हैं, देन ऑन फर्दर, क्योंकि ग्रीन शू ऑप्शन कहीं ना कहीं वही बुक बिल्डिंग के ऊपर ही बेस्ड है और साथ में एक एड ऑन फैसिलिटी दी जा रही है. बट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हेन वी से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन शू, तो एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं कि यहां पर कोई पिंक शू, ब्लू शू, ऑरेंज शू आने वाला नहीं है, एक ही शू है एंड दैट इज ग्रीन शू. और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लीगल कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करने वाली जो पहली अमेरिकन कंपनी थी अमेरिका में, उसका नाम ग्रीन शू था. दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज ग्रीन शू ऑप्शन. और ऑप्शन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि ईश्वर कंपनी चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करे, ना चाहे तो कॉन्सेप्ट को यूज ना करे. ऑप्शनल है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल. दैट इज व्हाई द वर्ड यूज इज ऑप्शन. पर्पज क्या है ग्रीन शू ऑप्शन का, और सामने आपको दो लाइनों में नजर आ रहा है, दैट इज विजिबल इन टू लाइन्स ऑन द फेस ऑफ इट, ग्रीन शू ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रीन शू ऑप्शन क्या है. तो ग्रीन शू ऑप्शन सिंपल सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, ग्रीन शू ऑप्शन इज अ स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म. इट इज अ स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म टू स्टेबलाइज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द इश्यूअर कंपनी. स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म टू स्टेबलाइज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द इश्यूअर कंपनी अप टू ओनली हाउ मच टाइम, ओनली फॉर 30 डेज, की शेयर का रेट मार्केट में नीचे ना गिरे आफ्टर द ट्रेडिंग परमिशन इज ऑब्टेन्ड. अगर आपको याद हो वो हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था पब्लिक इशू का, तो लड़के की शादी, रिमेंबर दैट. और लड़के की शादी में लास्ट के दो स्टेप्स क्या थे, लिस्टिंग परमिशन और ट्रेडिंग परमिशन. तो ट्रेडिंग परमिशन मिल गई और शेयर ट्रेड होना शुरू हो गया. तो उसके बाद फिलहाल से हम चाहते हैं कि 30 दिन तक शेयर का रेट नीचे ना गिरे, जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ है, अलॉटमेंट प्राइस या अलॉटमेंट प्राइस से ऊपर 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 जाए, नीचे ना गिरे. नीचे गिरेगा तो ग्रीन शू ऑप्शन जो मैकेनिज्म है, जीएसओ मैकेनिज्म, वो काम करेगा उस शेयर को स्टेबलाइज करने के लिए. तो मेन पर्पज क्या है, एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज स्टेबलाइज. इट इज अ स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म टू स्टेबलाइज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द इश्यूअर कंपनी ओनली फॉर 30 डेज. और 30 डेज शुरू कहां से होते हैं, from the date of trading permission. And the purpose is purpose क्या है कि शेयर का रेट नीचे गिर गया तो दिक्कत किसको होगी, परेशानी किसको होगी, लाखों अलॉटीज को जिनको अभी अभी शेयर अलॉट हुए हैं, नए नए शेयर अलॉट हुए हैं, और उन लोगों ने किस उम्मीद से पब्लिक इशू में पैसा लगाया था, किस उम्मीद से वो शेयर की अलॉटमेंट ली थी, कि शेयर का रेट ऊपर बढ़ेगा, हम बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे. और पता चला शेयर लिस्ट होते ही धड़ाम से नीचे गिर गया, क्रैश कर गया और नीचे नीचे भाग रहा है, तो ऑब्वियसली दुखी कौन हो रहे हैं, सिर्फ कंपनी नहीं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो दुखी हो ही रहे हैं ऑब्वियसली कि हमारे शेयर का रेट गिर रहा है, लेकिन लाखों अलॉटीज परेशान हो रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है. तो दिस इज टू प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द इश्यूअर कंपनी ऑल्सो एंड टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द अलॉटीज. तो आई होप बेसिक फंडा समझ में आ गया आपको. चलिए एनी हाउस, तो ग्रीन शू ऑप्शन फाइनली आल से. अभी ग्रीन शू ऑप्शन की कहानी जब हम शुरू करते हैं, चार पार्टीज इन्वॉल्व हैं. नंबर वन, द फर्स्ट पार्टी इज द इश्यूअर कंपनी. सेकंड पार्टी मर्चेंट बैंकर. अब ध्यान से सुनिएगा, मर्चेंट बैंकर डबल रोल प्ले करेगा. पहला तो वो बुक रनर का रोल प्ले करेगा, यू नो दैट बुक रनर, बिड्स कलेक्ट करना, लीड बुक रनर एंड कलेक्टिंग द बिड्स, वेल प्राइस बैंड देना और बिड्स कलेक्ट करना, दैट इज द फर्स्ट रोल ऑफ द मर्चेंट बैंकर. मर्चेंट बैंकर दूसरा रोल प्ले करेगा स्टेबलाइजेशन एजेंट फॉर 30 डेज, और वो एंश्योर करेगा कि शेयर का रेट नीचे ना गिरे. और इस काम के लिए इश्यूअर कंपनी और मर्चेंट बैंकर एक डुअल एग्रीमेंट साइन करेंगे, डबल एग्रीमेंट. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द मर्चेंट बैंकर एज लीड बुक रनर, एंड द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द मर्चेंट बैंकर एज वेल स्टेबलाइजेशन एजेंट, दैट इज हियर. थर्ड पार्टी कौन इन्वॉल्व है इस पूरे सिस्टम में, द प्रोमोटर्स ऑफ इश्यूअर कंपनी. हु द प्रोमोटर्स ऑफ इश्यूअर कंपनी, वो अपने हाथ से कुछ शेयर्स लोन बेसिस पे, रिटर्नेबल बेसिस पे मर्चेंट बैंकर को देते हैं. इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर, ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि प्रमोटर्स अपने हाथ से कुछ शेयर्स रिटर्नेबल बेसिस पे देते हैं टू द मर्चेंट बैंकर. फोर्थ पार्टी इन्वॉल्व है जनरल पब्लिक, आम जनता, जब हम बोलते हैं नेट ऑफर टू द पब्लिक, एंड वो QIBs, NIIs और RIIs, दैट इज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो 2 लाख रुपए की बिड लगाते हैं या कम.
क्यार एनी हाउस, तो अब एक बार रिपीट कर लेता हूँ, चार पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है। नंबर वन फर्स्ट पार्टी द ईश्वर कंपनी, सेकेंड पार्टी द मर्चेंट बैंकर, थर्ड पार्टी द प्रमोटर्स ऑफ द ईश्वर कंपनी एंड द फोर्थ पार्टी, हाँ जी दैट इज द जनरल पब्लिक। चार पार्टीज इन्वॉल्व है और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर इसको समझने के लिए, जस्ट टेकिंग वन स्मॉल एग्जाम्पल इन देयर टू अंडरस्टैंड दैट बेटर। अब जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ लिसन टू दैट वेरी वेरी केयरफुली कि होता क्या है। ये ग्रीन शू ऑप्शन में क्या काम होता है, एक मिनट के लिए प्रज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा आईपीओ आ रहा है, ईश्वर कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो है 100 शेयर। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ओनली 100 शेयर, 100 शेयर का आईपीओ आ रहा है। अब जो प्रमोटर्स ऑफ ईश्वर कंपनी है वो क्या करते हैं, पब्लिक इशू ओपन होने से पहले, प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में ग्रीन शू ऑप्शन की डिटेल बतानी होती है, प्रॉस्पेक्टस में फुल डिटेल बतानी होती है, उससे पहले प्रमोटर्स कैन गिव मैक्सिमम 15% ऑफ द इशू साइज ऑन द लोन बेसिस, ऑन द रिटर्नेबल बेसिस टू द मर्चेंट बैंकर, टू द स्टेबिलाईजेशन एजेंट। आई रिपीट दैट मर्चेंट बैंकर इज प्लेइंग द रोल ऑफ स्टेबिलाईजेशन एजेंट। तो अगर आपका इशू साइज इज 100 शेयर, 100 शेयर का है, तो प्रमोटर्स के पास जो पुराने शेयर पड़े हैं कंपनी के, उसमें से पुराने शेयर्स में से प्रमोटर्स 15 शेयर्स ऑन लोन बेसिस, ऑन रिटर्नेबल बेसिस देते हैं टू द मर्चेंट बैंकर की 15 शेयर हमसे ले लो, लेकिन रिटर्नेबल बेसिस पे एक दिन तो तुम्हें ये शेयर हमें वापस करने ही पड़ेंगे। ये काम कब हो रहा है, पब्लिक इशू ओपन होने से पहले, ग्रीन इशू ऑप्शन का बेस तैयार किया जा रहा है। आई रिपीट, जितना इशू साइज है उसका कितना, मैक्सिमम 15% प्रमोटर्स ग्रुप, प्रमोटर्स फैमिली अपनी पॉकेट से दे रहे हैं ऑन द रिटर्नेबल बेसिस टू द मर्चेंट बैंकर। अब क्या होता है कि मर्चेंट बैंकर को इसमें एक जीएसओ डीमैट अकाउंट ओपन करना है। क्या ओपन करना है, जीएसओ डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और जीएसओ डीमैट अकाउंट ओपन करके वो जो प्रमोटर से 15 शेयर्स मिले हैं, अब मैं तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं 100 शेयर का पब्लिक इशू है, तो प्रमोटर से कितने मिले हैं, 15 शेयर्स मिले हैं, वो 15 शेयर्स उनको उस जीएसओ डीमैट अकाउंट में जमा करवा देने हैं, डिपॉजिट करवा देने हैं, और ये शेयर्स जो मिले हैं ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डीमैट फॉर्म में, द शेयर्स आर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन द डीमैट फॉर्म। नाउ व्हाट हैपेंस, आपका होमवर्क तैयार हो गया, होमवर्क हो गया आपका जीएसओ में आगे बढ़ने से पहले। अब क्या होता है, पब्लिक इशू ओपन हुआ, पब्लिक इशू ओपन हुआ, फिर जब पब्लिक इशू ओपन हुआ, ओपनिंग ऑफ पब्लिक इशू या ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट या जिसको कहते हैं बिडिंग ओपन हो गई, ओपनिंग ऑफ बिडिंग, क्लोजिंग ऑफ बिडिंग, पब्लिक इशू क्लोज हो गया। अब देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है, सिचुएशन वन बहुत हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, सिचुएशन टू ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। अगर बहुत हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, इशू इज हैवीली ओवर सब्सक्राइब्ड, तो जो 100 शेयर कंपनी देने वाली है, फिर आपको ये भी मालूम है कट ऑफ प्राइस निकाला जाएगा, बुक बिल्डिंग है तो कट ऑफ प्राइस निकाला जाएगा, तो जो 100 शेयर कंपनी दे रही है वो तो कट ऑफ प्राइस पे आगे अलॉट हो ही रहे हैं, दे आर गेटिंग अलॉटेड, लेकिन एट द सेम टाइम जो हम कह रहे हैं प्रमोटर्स ने 15 शेयर्स दिए थे टू द मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर वो 15 शेयर्स भी उठाकर जनरल पब्लिक को दे देगा एट द सेम कट ऑफ प्राइस, तो पब्लिक को टोटल कितने दे दिए जाएंगे, 115 शेयर्स दे दिए जाएंगे पब्लिक को। पब्लिक को 100 शेयर नहीं दिए जा रहे, 115 दिए जा रहे हैं। शुरू से ये बात प्रॉस्पेक्टस में लिखी थी, प्रॉस्पेक्टस में लिखा था कि पब्लिक इशू का साइज तो 100 शेयर है, लेकिन उसमें ग्रीन शू ऑप्शन 15 शेयर एक्स्ट्रा है, दैट इज देयर, और अगर हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो वो एक्स्ट्रा 15 शेयर्स पब्लिक को दे दिए जाएंगे, और पब्लिक को ऐसा फील हो रहा है कि हमें 115 शेयर मिले हैं, पब्लिक को क्या फील हो रहा है कि हमें 115 शेयर्स मिले, 100 नहीं मिले, 115 मिले हैं। एक्चुअली अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बात करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 100 शेयर्स तो पब्लिक को अलॉट हुए हैं, 100 शेयर्स तो पब्लिक को अलॉट हुए हैं, लेकिन ये जो 15 शेयर्स है ना, ये अलॉट नहीं हुआ है, टेक्निकली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग ये एक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हुआ है, ट्रांसफर ऑफ 15 शेयर्स फ्रॉम द प्रमोटर्स टू द जनरल पब्लिक थ्रू मर्चेंट बैंकर, 15 शेयर्स का ट्रांसफर है। अलॉटमेंट तो 100 शेयर की है, अलॉटमेंट में और ट्रांसफर में क्या फर्क होता है, अलॉटमेंट कंपनी की तरफ से होती है, और कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो नए शेयर्स पैदा होते हैं, नए शेयर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, अलॉटमेंट से न्यू शेयर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, ट्रांसफर एग्जिस्टिंग शेयर्स का होता है फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू द अदर शेयर होल्डर, एंड प्रमोटर्स आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड दे आर ट्रांसफरिंग देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक थ्रू मर्चेंट बैंकर।
अच्छा पब्लिक को इस बात से कोई मतलब नहीं है, आम जनता को पब्लिक को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अलॉटमेंट होकर आ रहे हैं या ट्रांसफर होकर आ रहे हैं। अलॉटी जो हैं, जो लाखों इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो इस बात से मतलब है कि हमें शेयर्स मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग द शेयर्स, चाहे वो 100 है या 15 है, उनको तो मालूम है कि हमें 115 मिले हैं, तो पब्लिक तो शेयर्स में इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, अगर मान लीजिए कि हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आता और बड़ी मुश्किल से तो इशू सब्सक्राइब ही हुआ है, थोड़ा सा अंडर सब्सक्राइब था, बेचारे अंडर राइटर ने ही पूरा किया, अंडर राइटर के ऊपर ही बर्डन आ गया, तो वो जो 15 शेयर्स प्रमोटर से लिए थे और जीएसओ डीमेट अकाउंट में रखे थे, वो प्रमोटर्स को इमीडिएटली तुरंत वापस कर दिए जाएंगे, फटाफट वापस कर दिए जाएंगे, फिर वो आगे पब्लिक को नहीं दिए जाएंगे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, तो वो 15 शेयर्स पब्लिक को आगे सिर्फ कब दिए जाएंगे, जब हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मतलब ऑब्वियसली वो शेयर्स प्रमोटर्स को वापस कर दिए जाएंगे, फिर वो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं और स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म वाला फंडा आगे बढ़ेगा ही नहीं। अभी मैं ये प्रज्यूम करके चल रहा हूं कि हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन है, हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाना है और ग्रीन शू ऑप्शन की तरफ बढ़ना है और स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ना है। नाउ व्हाट हैपेंस कि पब्लिक को टोटल हमने कितने दिए, हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे एग्जाम्पल में हमने कितने दिए 115 दिए, 100 शेयर कंपनी की तरफ से, 15 शेयर्स प्रमोटर की तरफ से, जो 100 शेयर कंपनी की तरफ से दिए उसके ऊपर जो एप्लीकेशन मनी आई है, जो पैसा आया है, वो तो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है पब्लिक इशू के लिए। प्रमोटर्स ने जो अपने पर्सनल 15 शेयर्स दिए हैं और वो जनरल पब्लिक के पास गए हैं, वो कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा वो पैसा, वो जो उन्होंने अपने अपने शेयर्स दिए हैं मर्चेंट बैंकर को और मर्चेंट बैंकर ने आगे वो 15 शेयर्स पब्लिक को दिए हैं, तो वो पैसा कहां जाएगा, उसके लिए एक सेपरेट जीएसओ बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। क्या ओपन किया जाएगा, जीएसओ की फुल फॉर्म, ग्रीन शू ऑप्शन। पहले क्या ओपन किया था, जीएसओ डीमैट अकाउंट शेयर्स के लिए, वो शेयर्स के लिए था, अभी क्या ओपन किया जा रहा है, जीएसओ बैंक अकाउंट, ये किसके लिए, कैश के लिए, ये कैश के लिए ओपन किया जा रहा है। अभी इस जीएसओ बैंक अकाउंट का नाम चेंज कर दिया है स्टेबलाइजेशन फंड, क्या नया नाम रख दिया है, अभी सेबी ने रेगुलेशंस में थोड़ा सा फेरबदल किया है, पहले जीएसओ बैंक अकाउंट कहते थे, अभी नया नाम रख दिया है स्टेबलाइजेशन फंड। मैं तो कहूंगा मतलब एक ही चीज है, नाम बदल दिया और क्या, काम तो वही है, फंड का नाम चेंज कर दिया। आप जीएसओ बैंक अकाउंट कहना चाहो, फॉर द टाइम बिंग जीएसओ बैंक अकाउंट कह सकते हो, बाकी तो मतलब एग्जाम में स्टेबलाइजेशन फंड। अभी एक मिनट के लिए प्रज्यूम कर लेते हैं, एक मिनट के लिए प्रज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कट ऑफ प्राइस आया था 400 रुपीज पर शेयर, कितना आया था कट ऑफ प्राइस, 400 रुपीज पर शेयर। तो नाउ व्हाट हैपेंस कि कंपनी की तरफ से जो 100 शेयर गए, 100 शेयर के ऊपर 400 रुपीज पर शेयर मतलब 40,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में चला गया, और प्रमोटर्स की तरफ से 15 शेयर्स तो मल्टीप्लाइड बाय 400 पर शेयर, तो मतलब 6,000 रुपीज कहां गया, जीएसओ बैंक अकाउंट में या स्टेबलाइजेशन फंड में चला गया, इशू क्लोज हो गया। इशू क्लोज होने के बाद अब क्या होता है, लिस्टिंग परमिशन मिलेगी, अगला कदम वही प्रोराटा अलॉटमेंट हो गई, लिस्टिंग परमिशन, उसके बाद ट्रेडिंग परमिशन। अब मैं कहूंगा कि यहां से ट्रेडिंग परमिशन जब मिल गई है तो आपका स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, और यही काम यही लिखा है ना यहां, स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म कितने टाइम का है, अब टू थर्ड डेज काम करता है, थर्ड डेज कहां से, ट्रेडिंग परमिशन मिलने के बाद, लिस्टिंग परमिशन से नहीं, ट्रेडिंग परमिशन से। तो हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन, 100 शेयर कंपनी वाले भी दे दिए, 15 शेयर्स प्रमोटर्स वाले भी दे दिए, कंपनी का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में चला गया और जो प्रमोटर्स के शेयर्स का पैसा है वो जीएसओ बैंक अकाउंट में आ गया, उसके बाद प्रोराटा अलॉटमेंट हो गई, फिर फाइनली लिस्टिंग परमिशन, उसके बाद ट्रेडिंग परमिशन। अब क्या शुरू हो गया, स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म फॉर थर्ड डेज, और यहां से मैं कहूंगा मर्चेंट बैंकर का रोल चेंज हो गया। अभी तक मर्चेंट बैंकर का रोल था लीड बुक रनर, अब मर्चेंट बैंकर का रोल हो गया स्टेबलाइजेशन एजेंट फॉर नेक्स्ट 30 डेज, गेटिंग दैट। इन 30 दिनों में मर्चेंट बैंकर को क्या करना है, इस 30 दिनों में मर्चेंट बैंकर का काम क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसका रोल क्या है, जब जब शेयर का रेट मार्केट में नीचे गिरेगा, जब जब शेयर का रेट उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर का रेट मार्केट में नीचे गिरेगा, किस प्राइस से नीचे, हमारे एग्जाम्पल में 400 रुपए पर शेयर द कट ऑफ प्राइस, द अलॉटमेंट प्राइस, 400 से नीचे गिरेगा, 380 गया या जो भी गया, तो फटाफट मार्केट में जाएगा और शेयर्स परचेज करेगा, खरीदेगा। अब ये उसका काम है, बल्क बाइंग करेगा, और बल्क बाइंग करने से क्या होगा,
शेयर का रेट बढ़ेगा, डिमांड आएगी तो शेयर का रेट बढ़ेगा। मर्चेंट बैंकर पेमेंट अपनी जेब से नहीं देगा, कहां से देगा? जीएसओ बैंक अकाउंट से देगा। गेटिंग दैट? वो जीएसओ बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करेगा। तो मान लो, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया तो ठीक है, फिर आगे बढ़ सकते हैं। यहां सब यहां तक समझ में नहीं आया तो आई विल रिपीट, क्योंकि फिर आगे की कहानी समझ में आएगी नहीं। हाँ जी, शैल आई रिपीट? ये सुनो, कितने लोग चाहते हैं कि एक बार रिपीट कर दूं यहां तक की कहानी? चलिए, देयर आर अ फ्यू हैंड्स कमिंग अप। कितने लोगों की समझ में बिल्कुल आ गया अभी तक की, अभी तक क्या चल रहा था? चलिए, दैट इज बिग मेजोरिटी। बट आल से कुछ लोग चाहते हैं कि रिपीट कर दूं, तो आई विल रिपीट इट। तो एक काम करते हैं, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, और डायग्राम तो आपकी बुक में है, डायग्राम तो ऑलरेडी आपकी बुक में है। तो चार पार्टीज इन्वॉल्व हैं। चार पार्टीज कौन इन्वॉल्व हैं? नंबर वन ईश्वर कंपनी, नंबर टू मर्चेंट बैंकर, और मर्चेंट बैंकर के साथ ब्रैकेट में लिखा है SA, स्टेबलाइजेशन एजेंट। तो क्योंकि अब ये लीड बुक रनर भी है और स्टेबलाइजेशन एजेंट भी है, एंड देन द प्रोमोटर्स ऑफ ABC लिमिटेड, द प्रोमोटर्स ऑफ ईश्वर कंपनी, एंड देन जनरल पब्लिक द इन्वेस्टर्स। चार पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ड्यूअल एग्रीमेंट साइन हो रहा है। दोनों के बीच में एक ड्यूअल एग्रीमेंट साइन हो रहा है, और ड्यूअल एग्रीमेंट में मर्चेंट बैंकर को डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। क्या डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं? क्या डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं? वन एज लीड बुक रनर, द सेकंड वन एज स्टेबलाइजेशन एजेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रज्यूम कि ईश्वर कंपनी का जो पब्लिक इशू आ रहा है उसका साइज क्या है? 100 शेयर्स। प्रज्यूम करते हैं कि साइज इज 100 शेयर्स। तो प्रमोटर्स ऑफ द इश्यूअर कंपनी कैन गिव मैक्सिमम 15%, परसेंटेज में बात करूं तो मैक्सिमम 15% ऑफ द इशू साइज फ्रॉम देयर पॉकेट, अपनी अपनी पॉकेट में से शेयर्स निकालकर दे सकते हैं ऑन रिटर्नेबल बेसिस। और मर्चेंट बैंकर इन शेयर्स को उठाकर क्या करेगा, कहां डालेगा? जीएसओ डीमैट अकाउंट में। तो टू रिमेंबर, परसेंटेज में बोलूंगा मैक्सिमम 15% ऑफ इशू साइज। और प्रमोटर्स ने दिए ऑन लोन बेसिस। लोन बेसिस का मतलब रिटर्नेबल बेसिस, और हमें कैश नहीं चाहिए वापस। प्रमोटर्स को वापस क्या चाहिए? शेयर्स, कि हमारे शेयर्स हमें वापस कर देना। एंड देन वी आर सेइंग मर्चेंट बैंकर इज डिपॉजिटिंग दोज 15 शेयर्स कहां पर? इन द जीएसओ डीमैट अकाउंट। ओपन द जीएसओ डीमैट अकाउंट एंड डिपॉजिट इन द जीएसओ डीमैट अकाउंट। देन टॉकिंग अबाउट दैट फर्दर, गोइंग ऑन फर्दर विद दैट, आई विल से अब यो जीएसओ डीमैट अकाउंट में जमा करवा दिया शेयर्स। अब अगला काम क्या है? ओपनिंग ऑफ पब्लिक इशू। तो आई रिपीट, आपका होमवर्क हो गया। क्या होमवर्क हो गया? पब्लिक इशू ओपन होने से पहले 15 शेयर्स दे दिए 15%, और जीएसओ डीमैट अकाउंट में जमा हो गए। उसके बाद अगला कदम क्या है? ओपनिंग ऑफ पब्लिक इशू। अब आप पब्लिक इशू ओपन करने के लिए तैयार हैं, और अब दो बातें हो सकती हैं, या तो हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन और व्हाटएवर। तो आज से मैं प्रिज्यूम करता हूं हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन। और जो बैंक अकाउंट खोला है उसका नाम, जैसे मैंने पहले बोला कि पहले तो स्टेबलाइजेशन, पहले तो जीएसओ बैंक अकाउंट कहा करते थे, अभी सेबी ने रीनेम कर दिया है स्टेबलाइजेशन फंड। नाउ देन टॉकिंग अबाउट दैट, वेल सो वी आर सेइंग कि अब एक तरफ कंपनी का बैंक अकाउंट है, एक तरफ स्टेबलाइजेशन फंड है, और जो 100 शेयर कंपनी दे रही है 100 शेयर्स वो भी पब्लिक को दे रहे हैं। प्रमोटर्स के 15 शेयर्स भी पब्लिक को दे रहे हैं, और कट ऑफ प्राइस सेम, दैट इज 400 रुपीज पर शेयर। तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 400, 40,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। प्रमोटर्स के 15 शेयर्स, हाँ जी, गिवन टू द जनरल पब्लिक मल्टीप्लाइड बाय 400 पर शेयर, 6,000 रुपीज स्टेबलाइजेशन फंड में जमा करवा दिए। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो 100 शेयर आपको यहां दिख रहा है ये तो फ्रेश अलॉटमेंट है। ये जो 15 शेयर्स दिख रहे हैं ये ट्रांसफर ऑफ 15 शेयर्स है। ट्रांसफर ऑफ 15 शेयर्स फ्रॉम होम टू होम, फ्रॉम द प्रमोटर्स टू द जनरल पब्लिक, हाँ जी, थ्रू मर्चेंट बैंकर्स, थ्रू मर्चेंट बैंकर्स। नाउ विल, तो कुल मिलाकर वो पब्लिक को तो किस चीज से मतलब, पब्लिक को कितने मिल गए? 115 शेयर्स। पब्लिक को तो ये लग रहा है कि हमको तो अलॉटमेंट मिली है, पब्लिक को ये फील नहीं हो रहा कि वो ट्रांसफर है, पब्लिक को तो ये लग रहा है कि हमारे डीमैट अकाउंट में आ गए, चाहे 100 हो चाहे 15 हो। देन फाइनली वी आर सेइंग स्टेबलाइजेशन फंड में 6,000 डिपॉजिट हो गए, देन लिस्टिंग परमिशन एंड देन ट्रेडिंग परमिशन। तो 400 क्या है हमारा कट ऑफ प्राइस। अब
ट्रेडिंग परमिशन मिलने के बाद क्या शुरू होता है? स्टेबलाइजेशन पीरियड फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 30 डेज. स्टेबलाइजेशन पीरियड फॉर 30 डेज. नाउ मर्चेंट बैंकर विल प्ले द रोल ऑफ स्टेबलाइजेशन एजेंट. और मर्चेंट बैंकर क्या करेगा इन 30 दिनों में, जब जब स्टॉक मार्केट में ये एबीसी लिमिटेड का शेयर नीचे गिरेगा. नीचे गिरेगा मतलब कितना नीचे? 400 के नीचे, यहां 400 रुपीज के नीचे गिरेगा. तब तब स्टेबलाइजेशन एजेंट मार्केट में एंटर करेगा, बल्क बाइंग करेगा, डिमांड आएगी और शेयर का रेट ऊपर उठेगा और कोशिश करेगा कि 400 रुपए पे वापस आ जाए, अलॉटमेंट प्राइस पे वापस आ जाए. पेमेंट कहां से करेगा? फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन फंड. पेमेंट इज हैपनिंग फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन फंड. तो ड्यूरिंग दोज 30 डेज द स्टेबलाइजेशन एजेंट परचेजेस द शेयर्स ऑफ the company whenever the market price of the share falls below the issue price during the stabilization period and put them in the GSO demat account. Khareed khareed ke jab jab low price pe jayega, whenever the market price falls below the issue price, cut off price ke niche jata hai, tab tak khareedega. Aur khareed khareed ke kahan dalta jayega? GSO demat account mein dalta jayega. Payment kahan se de raha hai? Stabilization fund mein se. Aur keh rahe hain ki ye 30 days khatam hone ke baad within 2 working days, अब ये 2 working days हैं, promoters को वो shares वापस कर देगा. After the expiry of 30 days, the shares will be returned back to the promoters within 2 working days. क्योंकि उनसे जब लिए थे तो returnable basis पे लिए थे, उनसे जब लिए थे तो loan basis पे लिए थे, returnable basis पे लिए थे, वापस भी करने हैं. Stabilization period खत्म होने के बाद कितने time में वापस करने हैं? Within 2 working days. और GSO demat account close हो जाएगा. अब ध्यान से सुनेगा, एक example लेते हैं इसको समझने के लिए, for the better understanding. ये जो हम कह रहे हैं शेयर का रेट मार्केट में गिरेगा, फॉल करेगा, फॉल्स बिलो द कट ऑफ प्राइस. तो इसी को एग्जांपल के तौर पे, व्हेनेवर द मार्केट प्राइस फॉल्स ऑफ द शेयर फॉल्स बिलो द इशू प्राइस ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन पीरियड, तब तब जाएगा मार्केट में परचेज करेगा. तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए कि शेयर का रेट मार्केट में नीचे गिरा, 380 रुपीज पर शेयर गया, 400 से नीचे गिर गया 380 पर शेयर. तो ये भाई साहब जो स्टेबलाइजेशन एजेंट है भागे भागे मार्केट में जाते हैं, बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर, ऑनलाइन बाय ऑर्डर परचेज परचेज ऑर्डर डालते हैं अपना बीएससी ऑनलाइन और एनएससी ऑनलाइन, और बल्क में शेयर्स खरीदने की कोशिश करते हैं एट द रेट ऑफ 380 रुपीज पर शेयर. मान लीजिए कि उस वक्त बल्क में 4 शेयर खरीदते हैं. कितने शेयर खरीदते हैं? 4 शेयर. मैं बोलने के लिए 4 शेयर बोल रहा हूं, हो सकता है 400,000 शेयर हूं, क्योंकि हो सकता है ये जो इधर आपको 100 शेयर दिख रहे हैं ये 1 करोड़ शेयर हों, और ये जो 15 शेयर दिख रहे हैं ये एक्चुअली 15 लाख शेयर हों. क्लियर है? तो बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं 4 शेयर, लेकिन प्रैक्टिकली हो सकता है इट इज 4 लाख शेयर्स. तो कहने से बल्क बाइंग आ गई, मार्केट प्राइस गया. अभी हम छोटे एग्जाम्पल में रहते हैं, मार्केट प्राइस गया 380, इन्होंने क्या कितना बल्क बाय किया? 4 शेयर्स. तो अभी हम उसको 4 शेयर ही मानकर चल रहे हैं. पेमेंट कहां से की? कहां से पेमेंट की? हां जी, स्टेबलाइजेशन फंड में से पेमेंट की. अब इसमें इनको ना कुछ फायदा हो गया ये खरीदने में. कितना कितना फायदा है? 20 रुपीज पर शेयर. कितना फायदा हो रहा है? 400 वाला शेयर मार्केट से कितने का खरीदा? 380. जब अलॉट किया था तो 400 का, मार्केट से खरीदा 380 का. तो 4 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज पर शेयर द प्रॉफिट, 80 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. ये 80 रुपीज का प्रॉफिट कहां पड़ा रहेगा? स्टेबलाइजेशन फंड में. पैसे तो कहां पड़े हैं? 6,000 रुपीज कहां है? स्टेबलाइजेशन फंड में. तो 80 रुपीज भी वही है. फिर कुछ दिन निकले और 4 शेयर खरीदे, और 4 शेयर खरीदने से क्या हुआ? शेयर का रेट बढ़कर 400 आ गया. और जब 400 आ गया, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं कहने के लिए 4 है, एक्चुअली 4 लाख शेयर है. जब बल्क बाइंग की 4 लाख शेयर, तो शेयर का रेट बढ़ गया 380 से 400 आ गया. और 400 आ गया तो स्टेबलाइजेशन एजेंट ने खरीदना बंद कर दिया. अब और खरीदने की जरूरत नहीं है, वापस 400 हो गया. फिर कुछ दिन और निकले, एक हफ्ता निकल गया, अभी वो 30 डेज चल रहे हैं आपके. कुछ टाइम और निकला, शेयर का रेट धड़ाम से नीचे गिरा 350 रुपीज पर शेयर. अब फिर से वो कोई शॉक लग गया शेयर को और 350 रुपीज पर शेयर पे आ गया. ये फिर भागे भागे मार्केट में गए, उन्होंने मार्केट में जाकर खरीदे लेट अस से 7 शेयर्स. नाउ 7 शेयर्स एट द रेट ऑफ 350 पर शेयर, तो पर शेयर कितना फायदा हो रहा है? हाँ जी, 50 रुपीज पर शेयर. और फिर से बोल रहा हूँ 7 शेयर नहीं है, रियलिटी में 7 लाख हैं, लेकिन हमारे एग्जांपल में हम 7 शेयर्स ले रहे हैं. तो 50 रुपीज पर शेयर का फायदा हो गया, तो कितना फायदा हो गया? 350 रुपीज. हाउ मच बेनिफिट?
₹350, वो बेनिफिट सारा यहीं पड़ा हुआ है, इट इज हियर। 11 शेयर खरीद लिए, फिर शेयर का रेट मार्केट में गिरा कुछ दिन के बाद, फिर से थोड़ा सा नीचे गिरा एंड लेट अस से इट वेंट डाउन टू ₹370 पर शेयर। फिर ये मार्केट में भागे भागे गए, इन्होंने मार्केट में ना 4 शेयर और खरीदे, मार्केट में 4 शेयर और खरीदे, और अभी इनके 7 + 4 + 4 हाँ कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए, हो गए 15 शेयर्स। ये शेयर का रेट 370 से बढ़ा और बढ़कर 390 तक आ गया, 400 का लेवल टच नहीं हो पाया। लेकिन अब मर्चेंट बैंकर कुछ कर नहीं सकता, उसकी लिमिट थी, कितनी लिमिट थी, 15 शेयर्स खरीदना, इससे ज्यादा खरीदना वापस अलाउड नहीं है। 15 शेयर्स खरीद के 15 प्रमोटर्स को वापस करने हैं, लेकिन इसमें उसने 4 शेयर जब खरीदे उसको फायदा कितना हुआ, हाउ मच, हाँ जी ₹30 पर शेयर, तो कितना फायदा हो गया, ₹120, गॉट दैट। ये सारा फायदा कहां पड़ा, स्टेबलाइजेशन फंड में, तो स्टेबलाइजेशन फंड में इतने पैसे बचे हुए हैं अभी, और वो चाहे तो और शेयर खरीद सकता है अभी, लेकिन खरीदेगा नहीं क्योंकि लिमिट है, 15 शेयर से ऊपर जाना नहीं है, और वही शेयर्स प्रमोटर्स को वापस कर देने हैं एज इट इज। तो शेयर का रेट विल बढ़कर 370 से बढ़कर, एज एम सेइंग, मान लीजिए 395 आ गया, 400 का लेवल टच नहीं हुआ, लेकिन अब मर्चेंट बैंकर फर्दर बाइंग नहीं करेगा, उसने 15 शेयर्स तक की ही बाइंग करनी थी, कर ली, और शेयर्स को जितना स्टेबल कर सकते थे कर दिया, 395 तक ला सकते थे ले आए, मतलब वहां तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसके आगे फर्दर बाइंग करनी नहीं है, और फिर 15 शेयर्स अल्टीमेटली वापस कर दिए जाएंगे, किसको, बैक टू द प्रमोटर्स विद इन 2 वर्किंग डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज। और जब ये ऐसा होगा तो जीएसओ डीमैट अकाउंट विल बी क्लोज्ड। अब 15 शेयर्स आ गए और उसके बाद 15 शेयर्स प्रमोटर्स को वापस चले गए, तो जीएसओ डीमैट अकाउंट विल बिकम निल, निल अकाउंट बन गया, तो जीएसओ डीमैट अकाउंट विल बी क्लोज्ड। निल अकाउंट बनने के बाद उसको क्लोज कर दिया जाएगा। एंड आई होप ये समझ में आ रहा है ना, खरीद खरीद के डाले भी कहां जा रहे थे, कहां डाले जा रहे थे, जीएसओ डीमैट अकाउंट में डाले जा रहे थे। कायदे से यहां से कहूंगा कि पहले जीएसओ डीमैट अकाउंट में गए और फिर जीएसओ डीमैट अकाउंट से प्रमोटर्स के पास आ गए और फिर वो जीएसओ डीमैट अकाउंट निल हो गया, जब प्रमोटर्स के पास ट्रांसफर हो गए, तो क्लियर है। इस पूरे प्रोसेस में वेल जीएसओ डीमैट अकाउंट 2 बार क्रेडिट हुआ, 2 बार डेबिट हुआ इस पूरे प्रोसेस में। और ये कब 2 बार डेबिट हुआ, कब 2 बार क्रेडिट हुआ, पहली बार क्रेडिट कब हुआ था, पहली बार क्रेडिट कब हुआ था, जब प्रमोटर्स ने 15 शेयर्स दिए थे और वो 15 शेयर्स जीएसओ डीमैट अकाउंट में डाले गए थे, तो क्रेडिट हो गया था, पहली बार क्रेडिट हुआ था। डेबिट कब हुआ था, जब वो 15 शेयर्स पब्लिक को दिए गए थे, तो डेबिट हो गया था, जीरो हो गया, निल अकाउंट हो गया था। तो 15 शेयर्स जब डाले गए इनिशियली तो क्रेडिट हो गया, फिर 15 शेयर्स पब्लिक को दिए गए तो डेबिट हो गया, फिर क्रेडिट कब हुआ, हाँ जी जब वापस परचेज किए तो क्रेडिट हो गया, और जब प्रमोटर्स को ट्रांसफर किए तो डेबिट हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में जीएसओ डीमैट अकाउंट 2 बार क्रेडिट हुआ, 2 बार डेबिट हुआ, लास्ट में निल, लास्ट में निल, जीरो, और क्लोज कर दिया। आई होप गेटिंग दिस, बात समझ में आ रही है। अब एक सवाल बाकी है, वो ये है कि यहां जो पैसे बच गए हैं ये तो प्रॉफिट है, ये तो कैश प्रॉफिट है, दिस इज कैश प्रॉफिट। टोटल कितना है जो सामने नजर आ रहा है, 550 यहां, और कहने के लिए 550 बोल रहा हूं, हो सकता है 5.5 करोड़ रुपए हैं, हो सकता है 55 करोड़ रुपए हैं, मे बी इट इज ₹55 करोड़ प्रैक्टिकली डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखने के लिए 550 दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली मान लो 55 करोड़ हैं, और अगर 55 करोड़ हैं तो ये 55 करोड़ किसके, प्रमोटर्स के, प्रमोटर्स को मिलेंगे, या ईश्वर कंपनी के, या मर्चेंट बैंकर के, या तीनों में बंटवारा होगा, हाँ जी आपस में बांट लेंगे। 55 करोड़ रुपए बच गए यहां पर कैश, कितने लोग मानते हैं प्रमोटर्स के, 55 करोड़ बच गए हैं, कैश प्रॉफिट जो बच गया वो प्रमोटर्स का।
आई कैन सी नियर अबाउट 1 dozen हैंड्स कमिंग अप. कितने लोग मानते हैं ईश्वर कंपनी का, जो 55 करोड़ रुपए बच गए वो ईश्वर कंपनी के. आई कैन सी नियर अबाउट 7-8 हैंड्स कमिंग अप फॉर दिस. कितने लोग मानते हैं मर्चेंट बैंकर का, 55 करोड़ रुपए मर्चेंट बैंकर के. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6-7 लोग ऐसा भी मानते हैं. कितने लोग मानते हैं प्रमोटर्स और ईश्वर कंपनी में आपस में बट जाएगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रमोटर्स और ईश्वर कंपनी. 9. कितने लोग मानते हैं मर्चेंट बैंकर और प्रमोटर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. 2, 3, 4, 5 हैंड्स कमिंग अप फॉर दिस. 6 हैंड्स. कितने लोग मानते हैं तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, ईश्वर कंपनी एंड प्रमोटर्स एंड मर्चेंट बैंकर तीनों में बटेगा. चलिए नॉट इवन 1 हैंड फॉर दिस, हाफ हैंड गेम, तीनों में बटेगा. सारे आंसर गलत हैं, सारे के सारे आंसर गलत हैं. ना इसमें से 1% प्रमोटर्स को मिलेगा, ना 1 पैसा कंपनी को मिलेगा, ना 1 रुपया मर्चेंट बैंकर को मिलेगा. ये सारा पैसा सेबी के दान खाते में चला जाएगा. ये 55 करोड़ रुपए चले जाएंगे इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड ऑफ सेबी. ये सारा पैसा कहां जाएगा, दान खाते में, जितना भी बचा है यहां पर. प्रमोटर्स ने 15 शेयर दिए थे, उनको अपने 15 शेयर वापस मिल गए, कहानी खत्म. तो ये पैसा कहां जाने वाला है अभी. दिस होल मनी विल गो टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड ऑफ सेबी. एक चीज यहां थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, आपने कंपनी लॉ में शायद पढ़ा होगा IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 124-125 ऑफ द कंपनीज एक्ट. हाँ, वो कंपनीज एक्ट में था अंडर सेक्शन 124-125 ऑफ कंपनीज एक्ट. उसमें डिविडेंड जाता था कितने साल बाद, 7 साल बाद, डिक्लेरेशन के 7 साल बाद. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हाँ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड पड़ा था. अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं यहां पर, अब फंड का नाम चेंज हो गया. उस फंड का नाम क्या था, IEPF. इस फंड का नाम क्या है, IPEF. दोनों फंड्स का पर्पस सेम, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन. फंड का पर्पस सेम है, सिर्फ लेटर्स बीच में चेंज हो रहे हैं. IEPF के बजाय IPEF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड. तो IEPF MCA का है, IPEF सेबी का है. और यहां जो पैसा जा रहा है ये किसके पास जा रहा है, सेबी के दान खाते में जा रहा है. तो पैसा सारा सेबी का. तो फिर ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत की, इतना ड्रामा किया, क्या फायदा, मतलब एम ही बस सेबी के लिए कर रहे थे. ईश्वर कंपनी को क्या फायदा हुआ इस सब का, रेपुटेशन गुडविल. ईश्वर कंपनी को क्या फायदा हुआ, रेपुटेशन और गुडविल सेव कर रहे हैं और शेयर का रेट नीचे नहीं गिरा. लाखों शेयर होल्डर्स को क्या फायदा, जो शेयर क्रैश कर रहा था वो शेयर क्रैश नहीं हुआ, कंपनी की गुडविल बनी हुई है, रेपुटेशन बनी हुई है, लाखों शेयर होल्डर्स को फायदा हो गया कि शेयर. यही तो पर्पस था, टू प्रोटेक्ट द गुडविल ऑफ द कंपनी, टू प्रोटेक्ट द लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स. और लाखों शेयर होल्डर का फायदा थोड़ा ना, सिर्फ जो प्रमोटर्स ने प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन लिया, जो रिजर्व कैटेगरीज ने भी शेयर्स लिए, शेयर का रेट स्टेबल है, तो सभी लोग फायदे में है ना. प्रमोटर्स फैमिली का भी तो फायदा है, उनको अपने 15 शेयर्स एज इट इज वापस मिल गए. लेकिन शेयर का रेट अगर क्रैश होने से बचा है तो वो फायदा तो प्रमोटर्स फैमिली का भी है. और मैं कहूंगा 2018 की बात करूं, कैलेंडर ईयर 2018 की बात करूं, अनफॉर्चुनेटली ये ग्रीन शू का उतना इस्तेमाल हो नहीं रहा है, लेकिन ये सच है पिछले दिनों में ना शेयर के रेट गिरे बहुत हैं मार्केट में. और आईपीओ प्राइस जितना लिस्ट होता है, आधे मैं बोलूंगा 50% ऑफ द आईपीओज इंडिया में, अगर मैं बात करूं कैलेंडर ईयर 2018 में जितने पब्लिक इश्यूज आए हैं, जो अलॉटमेंट प्राइस पे जहां लिस्ट होते हैं, बाद में 50% ऑफ द पब्लिक इश्यू नीचे गिरे हैं और शेयर जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ है उस प्राइस से नीचे गया है. और आधे पब्लिक इश्यूज का अगर ये हाल है तो मतलब ग्रीन शू की जरूरत तो बहुत है. मतलब इन्वेस्टर ये थोड़ा ना चाहते हैं कि हम जिस प्राइस पे अलॉटमेंट लें उस प्राइस से नीचे गिर जाए. और आधे पब्लिक इश्यूज के साथ ऐसा हुआ है, मतलब 2, 4, 5 पब्लिक इश्यू होते कोई बात नहीं, लेकिन 50% पब्लिक इश्यूज के साथ ऐसा हुआ है. तो लाखों इन्वेस्टर्स को झटका लगता है कि भाई जितने पे लगाओ उतना भी नहीं मिलता, उससे भी नीचे चला जाता है स्टॉक मार्केट में. तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आर बूमिंग, नो डाउट अबाउट दिस. आई विल से निफ्टी इज बूमिंग, निफ्टी इज गोइंग हाई. लेकिन जो नई कंपनीज आ रही है उनका क्या, उनका क्या, जो नई कंपनीज आईपीओ लेकर आ रही है, सारी तो टॉप 50 नहीं है ना. टॉप 50 के नीचे 11,000 कंपनीज और हैं, उनकी हालत तो कोई नहीं पूछ रहा.
तो कहीं ना कहीं आल से ग्रीन शू की आवश्यकता है और यूज करना चाहिए। लास्ट में ये स्टेबलाइजेशन फंड भी बंद हो जाएगा। क्यों? निल हो जाएगा जब सारा पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा तो निल अकाउंट हो जाएगा, और निल अकाउंट हो जाएगा तो क्लोज कर देंगे। तो जीएसओ डीमैट अकाउंट से भी सब कुछ प्रोमोटर्स के पास चला गया, वो भी निल अकाउंट हो गया। जीएसओ डीमैट अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और ये स्टेबलाइजेशन फंड भी क्लोज हो जाएगा। बोथ ऑफ देम विल बी क्लोज। हाँ जी, अब आपको कुछ कहना है, पूछना है, मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन, एनी 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 क्वेश्चन। हाँ जी, एक सवाल पूछा गया है, सर इस 30 दिनों के अंदर हमारी कंपनी का शेयर का रेट नीचे गिरा ही नहीं सर, ऊपर 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 बढ़ता चला गया सर, तो हमारी कंपनी को सुरखाब के पर लगे हैं, हमारी कंपनी को सुरखाब के पर लगे हैं, शेयर का रेट नीचे गिरा ही नहीं तो क्या होगा? यही सवाल है। इफ द मार्केट प्राइस डज नॉट फॉल ड्यूरिंग 30 डेज तो क्या होगा? एनीवन, 1 मिनट के लिए मान लो, 1 मिनट के लिए मान लो, जो हम कह रहे हैं मार्केट प्राइस नीचे गिरा ही नहीं, शेयर का रेट ऊपर तक चलता जा रहा है, और ये जो 400 रुपए वाला शेयर है ये 30 दिनों में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जिस दिन 30 दिन पूरे हुए उस दिन तो शेयर का रेट कहां पहुंचा हुआ है? 600 रुपए पर शेयर पहुंचा हुआ है, नीचे गिरा ही नहीं, खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और कहां पहुंच गया शेयर का रेट? 600 रुपए पर शेयर पहुंच गया, और 30 दिन पूरे हुए। तो ये तो अच्छी बात है, बुरी बात है? 400 वाला शेयर 600 पहुंच गया 30 दिन के अंदर, पैसा 1.5 गुना हो गया, 1.5 टाइम्स, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन अब मर्चेंट बैंकर को तो शेयर्स वापस करने हैं, अब वो कहां से वापस करेगा? मार्केट से अगर खरीदेगा तो दिक्कत है, स्टेबलाइजेशन फंड में उसके पास कितने बड़े हैं? 6,000, 6,000 रुपये खर्च करके अगर वो मार्केट में खरीदने के लिए जाता है स्टेबलाइजेशन फंड से, तो 600 रुपीज पर शेयर चल रहा है, 600 रुपीज पर शेयर, तो कितने खरीदेगा? 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹600 पर शेयर, और 6,000 रुपये जो उसके पास रखे थे वो खत्म। तो प्रमोटर्स को 10 शेयर वापस करेंगे, लेकिन प्रमोटर्स को वापस कितने चाहिए? 15, 15, 5 शेयर की शॉर्टेज है, कैसे पूरी होगी? 10 शेयर वापस करते हैं, प्रमोटर्स चिल्ला रहे हैं हमने तो 15 दिए थे, हमें तो 15 वापस चाहिए रिटर्नेबल बेसिस पे, 5 शेयर और लाओ। मर्चेंट बैंकर कह रहे पैसे खत्म। हाँ जी, अब 5 शेयर और देने तो पड़ेंगे, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और 5 शेयर नहीं है, हो सकता है 5 लाख शेयर हैं। प्रमोटर्स कहेंगे ऐसे थोड़े ना होता भाई, तो जितने दिए थे वापस करो, अब 5 शेयर वापस कहां से करें? और ईश्वर कंपनी से लेंगे, वेरी गुड, कैसे लेंगे? अभी ईश्वर कंपनी को क्या देंगे? फ्री में लेंगे ईश्वर कंपनी से 5 शेयर्स, ईश्वर 5 लाख शेयर हैं, मर्चेंट बैंकर 400 रुपए पर शेयर पे करेगा टू द ईश्वर कंपनी, और फिर ईश्वर कंपनी से शेयर्स लेकर प्रमोटर को देगा। वेरी गुड, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब कहानी ये है कि मर्चेंट बैंकर, आंसर तो आपने दे दिया, मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ, इसको इम्प्रूव कर देता हूँ। मर्चेंट बैंकर मार्केट से खरीदेगा ही नहीं ना, पैसे यहां पर खर्च करेगा ही नहीं। मर्चेंट बैंकर ये 6,000 रुपये सारे के सारे किसको दे देगा? ईश्वर कंपनी। ये 6,000 रुपये किसको जाएंगे? ईश्वर कंपनी को जाएंगे, और ईश्वर कंपनी को कहेगा सेम कट ऑफ प्राइस पे हमें नए शेयर्स दे दो। तो ईश्वर कंपनी मर्चेंट बैंकर को सेम कट ऑफ प्राइस मतलब 400 रुपीज पर शेयर पे 15 शेयर्स नहीं दे देगी। अब ईश्वर कंपनी क्या इश्यू करेगी? फ्रेश। हाउ मेनी शेयर्स? फ्रेश 15 शेयर्स एट वट रेट? एट द रेट ऑफ 400 पर शेयर, एट द रेट ऑफ 400 पर शेयर मर्चेंट बैंकर को देगी। फिर मर्चेंट बैंकर वो शेयर्स, 15 शेयर्स मिल गए, जीएसओ डीमैट अकाउंट में डालेगा, फिर वो जीएसओ डीमैट अकाउंट में डालकर वापस प्रमोटर्स को दे देगा। समझ में आ रहा है कुछ? क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग?
तो शेयर का रेट ऊपर 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 चला गया तो मार्केट से खरीदेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म। जब मार्केट में शेयर का रेट नीचे गिरा ही नहीं तो मार्केट से खरीदेंगे नहीं, एक भी नहीं खरीदेंगे। तो मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, अब उस स्टेबलाइजेशन फंड में जो 6000 है सारा का सारा किसको दे देगा, टू द इश्यूअर कंपनी, और इश्यूअर कंपनी से 15 शेयर्स लेकर यू विल गिव इट टू द प्रमोटर्स। जीएसटी डीमैट अकाउंट क्लोज, दैट्स अ स्टोरी। तो 6000 रुपीज फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन फंड गोज टू इश्यूअर कंपनी, इश्यूअर कंपनी इश्यूज फ्रेश शेयर्स 15, और इसमें एक टाइम लिमिट दिया गया है, ये इश्यूअर कंपनी फ्रेश शेयर्स कितने टाइम में इश्यू कर रही है, विद इन 5 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ स्टेबलाइजेशन पीरियड। स्टेबलाइजेशन पीरियड क्लोज होने के बाद 5 दिन टाइम फ्रेम है, 5 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा, 5 days के अंदर अंदर। और इसलिए यहां टाइम फ्रेम अभी जो चेंज हो गया थोड़ा सा, ये जो नीचे दिख रहा है कितना दिख रहा है टाइम फ्रेम, 30 days प्लस 5 days प्लस 2 working days। पहले क्या था, जब हम कर रहे मार्केट से खरीद के वापस करेगा तब टाइम फ्रेम क्या था, 30 days प्लस 2 working days। अभी उसमें बीच में जुड़ गया, क्या जुड़ गया बीच में, 5 days बीच में और जुड़ गया कंपनी से शेयर्स लेने के लिए, 5 दिन बीच में और जोड़ दिए गए। गेटिंग दैट? तो टाइम में, टाइम लिमिट में थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ गई है, दिस इज द होल स्टोरी। अब कुछ पूछना है कहना है मोस्ट वेलकम, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, समझ में आ गया। एंड आई से एक छोटी सी चीज मैं अपनी तरफ से एड ऑन दे दूं आपको, सैबी कहता है ये प्रमोटर्स हैं चलेगा, प्रमोटर्स के अलावा अदर शेयर होल्डर्स भी हैं तो भी चलेगा, कुछ बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हो सकते हैं प्रमोटर्स फैमिली के अलावा जो कहें कि हम भी 15 शेयर्स देने में इंटरेस्टेड हैं और हमारे भी वापस कर ही देना, अदर शेयर होल्डर्स भी चलेगा। तो मैंने तो हर जगह प्रमोटर्स 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 लिखा हुआ है, बट इट कैन बी प्रमोटर्स, इट कैन बी अदर देन प्रमोटर्स ऑल्सो, जो पुराने एग्जिस्टिंग बड़े बड़े शेयर होल्डर्स कंपनी में है प्रमोटर्स के अलावा, तो सैबी ने वो भी अलाउ किया हुआ है। जनरली स्पीकिंग प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि प्रमोटर्स ही होंगे, क्योंकि उन्हीं को रेपुटेशन की चिंता है कि कंपनी की गुडविल खराब ना हो, प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि प्रमोटर्स ही होंगे, लेकिन सैबी ने अलाउ किया कि प्रमोटर्स के अलावा अदर शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं हु आर गिविंग देयर शेयर्स। हाँ जी, अब कोई शक या सवाल, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, मोस्ट वेलकम। कोई छोटा मोटा सवाल, कोई बड़ा सवाल, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज। समझ में आ गया सबको क्या हो रहा है? मैं पूछूं कुछ? अब मेरा सवाल यहां पर ये है, जब ये 15 शेयर्स पब्लिक को दिए, जब ये 15 शेयर्स यहां पर पब्लिक को दिए, तो क्या इसको कहेंगे ओवर अलॉटमेंट, क्या इसको ओवर अलॉटमेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे, कि हमने पब्लिक को 100 शेयर के बजाय 115 शेयर अलॉट कर दिए, या नहीं वो ट्रांसफर है, ओवर अलॉटमेंट बोलूं या ट्रांसफर बोलूं, ट्रांसफर, इट इज नॉट ओवर अलॉटमेंट, इट इज ट्रांसफर। अब जब ये सुनने के लिए मिलता है यहां पर कि पब्लिक ने, ये जो इश्यूअर कंपनी है, इश्यूअर कंपनी ने 15 फ्रेश शेयर्स दिए हैं, क्या इसको बोल सकता हूं दिस इज ओवर अलॉटमेंट, कि इश्यू साइज तो 100 शेयर का था लेकिन कंपनी ने आते आते लास्ट में 15 शेयर एक्स्ट्रा अलॉट कर दिए, तो इज इट ओवर अलॉटमेंट, इज इट ओवर अलॉटमेंट, एंड द आंसर इज यस। तो दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, दिस इज अ केस ऑफ ओवर अलॉटमेंट ऑफ 15 शेयर, इश्यू साइज वॉज ओरिजिनली 100 शेयर्स एंड नाउ द कंपनी हैज डन द ओवर अलॉटमेंट ऑफ 15 शेयर्स टू द मर्चेंट बैंकर सो दैट द शेयर्स कैन बी गिवन बैक टू द प्रोमोटर्स। तो इसको हम नाम देते हैं ओवर अलॉटमेंट ऑफ 15 शेयर्स। गेटिंग दैट? क्या ये ओवर अलॉटमेंट शब्द, ये शुरू से प्रॉस्पेक्टस में, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर ओवर अलॉटमेंट की जाएगी, क्या ये पॉसिबिलिटी शुरू से प्रॉस्पेक्टस में लिखी होनी चाहिए? हाँ जी, एंड द आंसर इज येस। तो ये जो ओवर अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी है, ये शुरू से प्रॉस्पेक्टस में लिखी थी टर्म्स एंड कंडीशंस में, कि आवश्यकता पड़ने पर ये ओवर अलॉटमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, जब ये 15 शेयर्स की ओवर अलॉटमेंट होगी तो क्या इन शेयर्स को भी लिस्ट करवाना पड़ेगा,
इन शेयर्स की भी लिस्टिंग होगी, यस और नो? एंड द आंसर इज यस। तो ओवर अलॉटमेंट भी कर रहे हैं और इन शेयर्स की लिस्टिंग भी होगी, लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, क्या स्टॉक एक्सचेंज से भी पहले से बातचीत करके रखनी पड़ेगी कि सर अगर ओवर अलॉटमेंट करने की जरूरत पड़ी तो आप लिस्टिंग दोगे, लिस्टिंग परमिशन दोगे? स्टॉक एक्सचेंज से पहले से बातचीत करके रखनी पड़ेगी और इन प्रिंसिपल अप्रूवल शुरू से लेकर रखना पड़ेगा। फाइनल अप्रूवल, फाइनल लिस्टिंग तो बाद में लेते रहेंगे, लेकिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो शुरू से लेकर रखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली है और मेरी तरफ से मैं कह सकता हूं द टॉपिक इज ओवर। नाउ सो फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न, राइट अ शॉर्ट नोट, 5 मार्क्स, ग्रीन शू ऑप्शन। राइट अ शॉर्ट नोट, 5 मार्क्स, ग्रीन शू ऑप्शन, दैट इज ऑल द एग्जाम्स आर। और ये जितनी बातें आप सामने डायग्रामेटिक फॉर्म में देख रहे हैं, मैं कहूंगा आपकी बुक में डायग्राम भी है और टेक्स्ट फॉर्म में भी लिखा है। पेज नंबर 35 पे ये पूरी कहानी लिखी है स्टेप बाय स्टेप, ऑन पेज नंबर 35, स्टेप वाइज प्रोसीजर, स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4। ये जो अभी आपने डायग्राम एंड फॉर्म में देखा है यही स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लिखा है। एंड लास्ट में वो जो स्पेशल नोट है, अगर 30 दिन तक शेयर का रेट नीचे गिरा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अगले 5 दिन में, 30 दिन खत्म होने के बाद अगले 5 दिन में कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी से फ्रेश ओवर अलॉटमेंट लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज में प्रमोटर्स को वापस कर देंगे। और वर्किंग लिखकर काटा है यहां जानबूझकर, ये सिग्निफाई करने के लिए, ये वर्किंग डेज नहीं है, ये 5 डेज है और इसमें सैटरडे संडे इंक्लूड हो रहा है बीच में। तो दिस इज समथिंग, इट इज 5 डेज, इट इज नॉट 5 वर्किंग डेज। एग्जाम में 5 वर्किंग डेज मत लिख देना, 30 डेज है, 5 डेज है, 2 वर्किंग डेज है। हाँ जी, एंड इफ यू वॉन्ट अ रिपीटेशन ऑन एनी पॉइंट आई कैन रिपीट हैप्पीली, नो प्रॉब्लम्स। एनी रिपीटेशन रिक्वायर्ड ऑन एनी पॉइंट? समझ में आ गया सब कुछ? चलिए, वेरी नाइस। तो अब ये तो मैं कहूंगा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर दे दिया कि जीएसओ काम कैसे करता है। और ये नेक्स्ट पेज पे आपके पास चार्ट में भी आप देखोगे तो बीच में वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4A और 4B का मतलब दोनों एक साथ पैरेलल हैं, स्टेप नंबर 5A और 5B का मतलब दोनों एक साथ पैरेलल हैं, उसके बाद स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप नंबर 9A और 9B दोनों एक साथ पैरेलल हैं, स्टेप नंबर 10, 11 एंड सो ऑन एंड स्टेप नंबर 12। तो 12 स्टेप्स में कहानी वो चल रही है, दैट इज गोइंग ऑन। तो सो फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न, ICSI मॉड्यूल को फॉलो करें तो वहां कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। नाउ दिस इज द ICSI लैंग्वेज इज कंसर्न, ICSI मॉड्यूल के हिसाब से चलें तो वहां लैंग्वेज कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। पहले जो अभी आपने प्रीवियस पेज पे देखा वो तो मेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, इज माई सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, बट नाउ दिस इज द लैंग्वेज यूज बाय ICSI। और इसको पढ़ लेते हैं एक बार और इसको पढ़कर समझ लेते हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ICSI ने पूरा इलेबोरेट किया नहीं है कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या है, और इसको पढ़कर तो समझ आना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ, अब समझ में आ जाएगा, रीजन बिंग हमें पूरा सिस्टम मालूम है, पता है, तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अदरवाइज डायरेक्ट पढ़ना और डायरेक्ट इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। देन ग्रीन शू ऑप्शन मीन्स द ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग द शेयर्स इन एक्सेस of the shares included in the public issue and operating the post listing price stabilization mechanism. Post listing मतलब listing permission मिलने के बाद price stabilizing mechanism चलाया जाता है as per the SEBI ICDR regulation. और हमारे पास issuer company के पास option है क्या allot करने की, excess share allot करने की, लेकिन ये excess share आपको मालूम है कब allot करने पड़ते हैं, जब share का rate market में 30 दिन तक नीचे नहीं गिरता तो ये excess share तब allot करने पड़ते हैं। A company making the public offer of the equity share and the desirous of availing this option should in the resolution of the general meeting authorizing the public issue seek authorization also for the possibility of allotment of further shares to the stabilizing agent at the end of stabilization period. तो कह रहे हैं जिस पब्लिक इशू में आप IPO FPO लॉन्च करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, जिस रेजोल्यूशन में आप IPO FPO लॉन्च करने की बात कर रहे हैं और रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, उसी रेजोल्यूशन में लिख देना कि ग्रीन शू ऑप्शन फैसिलिटी है और जरूरत पड़ने पर बाद में
वेल ओवर अलॉटमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ये बात शुरू से रेजोल्यूशन में मेंशन कर देना. एंड द कंपनी शैल अपॉइंट वन ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स, वन ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स और बुक रनर्स अमंगस द इशू मैनेजमेंट टीम एज स्टेबिलाईजेशन एजेंट. उन सब में से किसी एक को अपॉइंट कर लेंगे एज स्टेबिलाईजेशन एजेंट, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस स्टेबिलाईजेशन प्रोसेस इफ रिक्वायर्ड. नाउ द स्टेबिलाईजेशन एजेंट शैल एंटर इन टू द एग्रीमेंट विद द इश्यूअर कंपनी प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट. एंड कैन ए डबल एग्रीमेंट, वन एग्रीमेंट एज मर्चेंट बैंकर, वन एज स्टेबिलाईजेशन एजेंट. Clearly stating that all the terms and conditions relating to this option, including fees, charges, expenses to be incurred by the stabilization agent for this purpose. So we are saying usme clearly mention hoga sari terms and conditions bas. Agreement mein terms and agreement ka matlab hi kya hai, terms and conditions to hongi jisme uski apni fees hogi. Matlab wo keh raha hai main free mein kaam nahi kar raha hu aapke liye stabilization agent. Last mein jo paise bachenge wo to sare SEBI ke paas chale jayenge, lekin meri fees वो तो आप ही दोगे, वो तो इश्यूअर कंपनी देगी, इश्यूअर कंपनी की गुडविल बचा रहे हैं. और वो फीस प्रमोटर अपने बैंक अकाउंट से नहीं देंगे, वो फीस इश्यूअर कंपनी देगी अपने कंपनी के बैंक अकाउंट से, क्योंकि अल्टीमेटली रेपुटेशन तो इश्यूअर कंपनी की सेव हो रही है. एंड देन एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड बाय द स्टेबिलाईजेशन एजेंट फॉर दिस पर्पज, तो वो सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा रहेगा. डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड इन द फाइनल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डिटेल डिस्क्लोज कर दीजिएगा. तो यहां अगर बोल सकता हूं, वेल दिस टॉपिक इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम आईसीएसआई. अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट 5 मार्क्स, तो ये लिखेंगे या वो लिखेंगे जो प्रीवियस पेज पे है. हां जी, तो ये लिखना जो इस पेज पे है, प्रीवियस पेज वाला क्यों लिखोगे. लेकिन इसमें ये पता नहीं चल रहा कि 15% दिया, कितना दिया, रिटर्नेबल बेसिस पे दिया, और फिर पब्लिक को क्यों ओवर अलॉटमेंट दे रहे हैं, किस केस में दे रहे हैं ओवर अलॉटमेंट, और फिर वो स्टेबिलाईजेशन पीरियड 30 डेज का होता है, कहीं लिखा ही नहीं है. फिर वापस खरीद के जीएसओ डीमेट अकाउंट खुलता है, स्टेबिलाईजेशन फंड खुलता है, आईपीईएफ में जाता है, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया. होता है कुछ स्टेबिलाईजेशन मैकेनिज्म, पब्लिक इश्यू ओपन क्लोज होने के बाद होता है, बस इतना ही मालूम है. और एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और मर्चेंट बैंकर को स्टेबिलाईजेशन एजेंट अपॉइंट कर देंगे. तो इसको पढ़कर तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है. और जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, मेहनत कर रहे थे, बहुत मुश्किल था. हां जी, आसान था. और अब आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहेंगे. आई लीव इट टू यू. मतलब ऑप्शन सब आपके पास दोनों हैं. प्रीवियस पेज दैट वाज माय सिंप्लीफाइड मटेरियल, नाउ दिस पेज इट इज आईसीएसआई. नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ता हूं तो सेबी ग्रीन शू ऑप्शन, सेबी रेगुलेशन है. और ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, ओनली फॉर नॉलेज, नॉट फॉर एग्जाम. ये तो फुल ऑन सेबी क्या कहता है. और ये भी मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ में आ ही जाता है सब कुछ. ओनली फॉर नॉलेज एंड नॉट फॉर एग्जाम. और इसके ऊपर लिख लो होमवर्क, वी आर नॉट डूइंग द क्लास वर्क. तो अब ये तो सेबी की रेगुलेशन है, जो सेबी के वर्ड्स हैं, वर्ड टू वर्ड सेबी की वेबसाइट से लिया हुआ है, टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ सेबी. और इसमें नीचे आपको मालूम है प्रमोटर्स कितना देते हैं. हां जी, shall not be in excess of 15% of the issue size. और एक खास बात और क्या है. हां जी, इन केस ऑफ आईपीओ द प्री इशू शेयर होल्डर्स एंड प्रोमोटर्स दोनों हैं. तो हमारे डायग्राम में जहां प्रोमोटर्स दिख रहे थे, प्रोमोटर्स के साथ और कौन है, प्री इशू शेयर होल्डर्स. और एफपीओ है तो एफपीओ, ये तो आईपीओ की बात हो गई, ये तो आईपीओ की बात हो गई. अगर एफपीओ है तो, अगर एफपीओ है तो प्री इशू शेयर होल्डर्स होल्डिंग हाउ मच मोर देन 5% स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. स्पेसिफाइड में आपको मालूम है इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. इंडिविजुअली एंड द प्रमोटर्स मे लेंड, मे और मे नॉट, शेल नहीं है, मे है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रपोज्ड ओवर अलॉटमेंट. दैट इज, तो याद रखिएगा, वेल मैक्सिमम लिमिट ऊपर बताई थी, वो मैक्सिमम लिमिट कितना कितना दे सकते हैं, 15%. दैट इज ऑलरेडी 15%. तो वो एक एस्पेक्ट था. और दूसरा एस्पेक्ट
कि कौन लोग दे सकते हैं, प्री इशू शेयर होल्डर्स एंड द प्रमोटर्स इन द केस ऑफ आईपीओ, और एफपीओ के केस में प्रमोटर्स और उसके बाद प्री इशू शेयर होल्डर्स सारे नहीं, प्री इशू शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% इंडिविजुअली ओनली दे कैन गिव एंड द प्रमोटर्स कैन गिव, वो तो है ही है। तो ये वो लोग हैं जो फर्स्ट बॉक्स में फिट होते हैं, जो अपने शेयर्स वेल लोन बेसिस पे दे रहे हैं, रिटर्नेबल बेसिस पे दे रहे हैं। बाकी और कुछ बताने के लिए बचा नहीं है मेरा, बाकी तो आप अपने आप से पढ़ोगे, खुद से समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 5.38 वंस अगेन आई विल से दैट इज होमवर्क। आगे वही 5 डेज और 2 डेज की कहानी है, ओवर अलॉटमेंट की कहानी है। फिर लास्ट में जो बचेगा वो कहां चला जाएगा, आईपीएफ एस्टैब्लिश्ड बाय सेबी, रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं। एंड आई विल से द टॉपिक इज ओवर। तो 3 पेजेस योर होमवर्क, ये 3 पेज आपका होमवर्क है, पेज नंबर 37, 38 एंड 39। और उसमें वो एक पैरा याद कर लीजिए थोड़ा सा कि प्रमोटर्स के अलावा प्री इशू शेयर होल्डर्स भी हैं जो अपने शेयर्स लेंडेबल रिसोर्सेज मतलब लेंडेबल बेसिस पे रिटर्नेबल बेसिस पे दे सकते हैं। तो टॉपिक इज कंप्लीट।